बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर। दे दो, मैं भी लूं। ये मैं खाने लगी हूँ दोपहर का खाना। चार तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में। ये दोपहर का टाइम है और आज जुमे का दिन है, जुमतुल मुबारक है। तो इसके लिए आज मैं बना रही हूँ, जुमे के लिए घर में होते हैं अब्बू भाई गोश्त। व्हाट? इसके लिए मैं बना रही हूँ, डाल रही हूँ सॉरी प्याज एक बड़ा अदद था, सब्ज लहसुन, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और हल्दी। हल्दी डालिए 1 टीस्पून, अनार डालना है 1 टीस्पून। कुकर को मैंने लगाए थे 10 से 12 मिनट जब बिसल चली थी। आपने ये नोट करना है कि जब बिसल चली थी, और इसको मैंने चेक किया तो ये गल गया है। बीफ बहुत अच्छा था और 10 से 12 मिनट में ही गल गया है। तो अब इसको मैंने भूनना है। इसमें मैं डालूँगी टमाटर कटे हुए 4 अदद, सब्ज प्याज और अदरक जिसको मैंने पेस्ट बना लिए, बड़ी पीस लिया, उन्हें डाल दिया। अब डालूंगी साथ में ऑयल और बाकी मसाले। इसको मैंने ऑयल डाल दिया, मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है, ये टेबलस्पून नहीं है, और गरम मसाला डालूंगी 1 1/2 टीस्पून है, और सब्ज मिर्च डाल देंगे। सब्ज मिर्च का पेस्ट जो कि बनाया होता है और फ्रीज किया होता है, मतलब टुकड़ियों का आटे की उसकी शक्ल में, तो सेव किया होता है। तो सब घर पे होते हैं, सब में मराज मतलब मेरे अब्बू और भाई। तो फिर होता है चलो कुछ खास बना ली। तो अब्बू मेरे हैं पसंदीदा गोश्त के शुरू से ही, तो उनको था आज कुछ और बना ले, क्या लिख लिया उनको खाने के लिए। मैंने कहा सब्ज़ी ले आए, तो कहते गोश्त ले आता, मैंने चले ले आए, अच्छा लेके आना, साफ सुथरा, मतलब हड्डी और चर्बी ही ना हो। तो फिर अल्लाह का आज गोश्त लेके आए, वो अच्छा था ना, अच्छा है। तो आज इसलिए जुमे का दिन है तो खास खाना बनता है जुमे के दिन। जब हमारी अम्मी ज़िंदा होते थे तब तो लाजमी बनता था, ज़िंदा होते थे अम्मी की ज़िम्मेदारी होती थी। तो फिर खैर अम्मी की डेथ के बाद हम उसकी मैं थी, बड़ी मैं ही थी, इसलिए मैं फिर बनाती थी। फिर छोटी बहनें होती थी जी मुझसे, और फिर हमारे दो भाई। तो ऐसे आगे से आगे वही रीत चलती है घर की जो होती है। सब घर में होते थे तो कुछ स्पेशल ही बनता था, तो आज भी स्पेशल ही बन रहा है ये सालन। आपका फीडर मैं पी लूं? मैं दे दो, मैं पी लूं। नहीं चलो, अब इसे लगी हुई है भूख, है ना? सुबह से फीडर पिए, अब नहा के आया फाइल। सब सालन को मैं भून रही हूँ, देखते काफ़ी हद तक भून चुका है और ऑयल भी खाना शुरू हो गया, और जो इसमें प्याज टमाटर सब कुछ मिक्सअप हो रहे हैं, मतलब भून रहे हैं। सालन माशाल्लाह तैयार हो गया, ये देखें अच्छे से भून गया। मैंने इसको 15 मिनट भूनना है हल्की आंच पे, मतलब हल्की से थोड़ी तेज़ दरमियानी आंच पे, क्योंकि नीचे लगने का डर होता है मसाला जब बना रहे होते हैं आंच पे। देखें तो अब ये तैयार है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। पानी भी वही डालूँगी जो इसमें से थोड़ा सा निकला है। ये ग्रेवी सी बन जाए जिससे रोटी खाना भी आसान हो। ये ले, सालन हो गया तैयार। सालन में डालूँगी धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने नमाज़ी जुमा भी अदा करनी है, आपको अजाने पीछे सुन रही होंगी। तो पहले तो अभी खैर खाना खाती हूँ, भूख लगी हुई है, फिर इसके बाद नमाज़ी जुमा अदा करूँगी। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं खाने लगी हूँ दोपहर का खाना। आप दो ना गोश्त जो बनाया था वो मैंने कब खाना खा लूँ,
क्योंकि भूख भी लगी हुई है, दोपहर का टाइम हो गया, डेढ़ बज चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार। अब मैं रोटी खा लूँ तो फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। जरेस क्या कर रहे हैं काका? हम मजे ये मन्ना ने क्या लगाया हुआ है सर पे? अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हो? आपको रोना क्यों आ रहा है? मन्ना मन्ना ने सोना है, नींद आई है? जब है ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं इसको क्या। मोहम्मद होने दी जगह बदल गई है ना, नीचे आके हो गया कि लेट गया फौरन, नहीं तो लेट देनी है। भाई नमाज पढ़ ली? जूता नहीं, पढ़ ली, शाबाश। चल मसाला जहा दे फिर यार। नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। ना ले मुझे तो रील भी बनाना।